लखनऊ के हजरतगंज में एक कपड़ा गोदाम में आग लगने से दो मजदूरों की मौत हो गई। तीसरी मंजिल पर होजरी के गोदाम में ये आग लगी। मजदूरों की नींद खुली तब तक दोनों आग से घिर चुके थे। हैरानी की बात यह है कि गोदाम में आग बुझाने के कोई उपकरण नहीं थे। संकरी गली होने से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहुंचने में काफी वक्त लगा। सीएम योगी के शनिवार को लखनऊ में पासपोर्ट दफ्तर पहुंचने की खबर लगते ही दफ्तर में और आसपास सफाई शुरू हो गई। योगी नया पासपोर्ट बनवाने और उसमें अपना एड्रेस बदलवाने पहुंचे थे। सांसद पद छोड़ने के बाद उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द हो गया था। योगी को 1 नवंबर से मॉरिशस में हो रहे प्रवासी भारतीय दिवस में हिस्सा लेना है। बुंदेलखंड में कर्ज से तंग आकर एक और किसान ने खुदकुशी कर ली। बांदा में अनुज वाजपेयी ने आत्महत्या करने से पहले सीएम योगी के नाम एक चिट्ठी भी लिखकर छोड़ी। चिट्ठी में अनुज ने लिखा कि बहन की शादी के लिए लिया गया कर्ज चुका नहीं पा रहा था और सूदखोर लगातार परेशान कर रहे थे। यूपी के बागपत में एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी भतीजी को 5,000 रुपए में एक बुजुर्ग को बेच दिया। 12 साल की ये बच्ची 4 महीने लखनऊ के बाल संरक्षण गृह में रहने के बाद अब जाकर परिवार को मिली है। पुलिस ने आरोपी बुआ और उसके प्रेमी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। यूपी के मथुरा कासगंज रूट पर एक बड़ा हादसा टल गया। दो ट्रकों की टक्कर के बाद एक ट्रक लड़खड़ाकर रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया। इससे रामनगर से आ रही एक ट्रेन का इंजन डैमेज हो गया। इसके बाद ट्रेन को दूसरा इंजन मंगाकर आगे के लिए रवाना किया गया। हादसे के कारण रूट कई घंटे बंद रहा। यूपी में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर पार्टियों में फिर जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। लखनऊ में बीएसपी के 15 से ज्यादा स्थानीय नेता कल समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। यूपी में 22 से 29 नवंबर के बीच 3 चरणों में स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं। नतीजे 1 दिसंबर को घोषित होंगे। फिरोजपुर पुलिस ने एससी कमीशन के सदस्य को अदालती केस के नाम पर रिश्वत देते पकड़ा है। आरोपी बाबू सिंह पंजावा जाति सूचक शब्दों से जुड़े एक केस की सुनवाई कर रहा था। केस रफा दफा करने के लिए वो 2.5 लाख रुपए रिश्वत ले चुका था। 50,000 रुपए की उसने और डिमांड रखी थी। यही पैसा लेते वक्त विजिलेंस विभाग ने रेड कर दी। पंजाब सरकार ने कर्ज न मिलने पाने के लिए पुरानी अकाली बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन लाल सिंह ने कहा कि अकाली बीजेपी सरकार के कर्ज पर कर्ज लेते रहने से पंजाब की कर्ज लेने की लिमिट अब नहीं रह गई है। अब सरकार अपने दम पर कर्ज नहीं ले सकती। जालंधर पुलिस ने पश्चिम बंगाल से झांसा देकर लाई गई एक नाबालिग लड़की को छुड़ाया है। पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसने लड़की को महीने भर से जालंधर में बंधक बनाकर रखा था। पुलिस ने ये कार्रवाई कुछ सामाजिक संगठनों के खबर देने पर की। पंजाब में नशे और तस्करी के खिलाफ बनी एसटीएफ ने तरनतारन और फिरोजपुर में सीमा से सटे एक गांव में छापा मारकर घर से 6 किलो हीरोइन और 19 लाख की करेंसी जब्त की। हीरोइन को घर की जमीन में दबाकर रखा गया था। पुलिस ने घर में मौजूद 2 महिलाओं को हिरासत में ले लिया।